आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज और मैं आपके साथ तुषार। चलिए रुक करते हैं खबरों की तरफ। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर राहुल गांधी ने सोमवार को तुमकुरु में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर जमकर निशाना भी साधा। राहुल गांधी ने कहा कि पिछले चुनाव में कर्नाटक की जनता ने भाजपा को नहीं चुना था। साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा ने विधायकों को पैसे देकर लोकतंत्र को नष्ट करके कर्नाटक में सरकार चोरी की थी। पिछले 3 सालों से भाजपा ने कर्नाटक में केवल भ्रष्टाचार किया है। कर्नाटक की जनता ने भाजपा सरकार को 40% की सरकार कहा है, मतलब जो भी ये काम करते हैं उसमें ये जनता से 40% कमीशन चोरी करते हैं। साथ ही जानकारी के लिए आपको बता दें कि राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी कर्नाटक आते हैं लेकिन सिर्फ अपनी बात करते हैं। मोदी जी, बताइए आपने पिछले 3 सालों में कर्नाटक के लिए क्या किया और राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य और युवाओं के लिए क्या करेंगे? ये चुनाव आपके बारे में नहीं, कर्नाटक के भविष्य के बारे में है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें राष्ट्रीय हिंदी न्यूज के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज।